सर एक जानकारी चाहिए थी। जैसा जो ये अपना ये पॉपअप विंडो अभी चेंज हुआ है, पढ़ा है क्या आपने? अपनी कौन सा? जो आईडी जब खोलते हैं, जब पॉपअप विंडो जो आता है, वो क्या पढ़ा है आपने? नहीं अभी तो मैं इतने टाइम से जो लोगों का कॉल और सारा प्रॉब्लम देख करके तो मेरा टाइम बीत जा रहा, पता ही नहीं चल रहा अरे जरा पढ़ो, बहुत जरूरी है पढ़ना उसे। हाँ है। अच्छा जरा इसे पढ़ के हमें बताइए, इसमें क्या है ऐसा? मतलब एकदम बहुत सारे फोन आने लगे लोगों के। सुबह का वेबिनार में आप अटेंड हैं? नहीं, सुबह मैं अटेंड नहीं था अच्छा, बैक ऑफिस पे आया ये जो? जी। हाँ, बैक ऑफिस से आया है। आईडी जब खोलते हैं तो नया पॉपअप हाँ विंडो आ रहा है, उसे जरा खोलिए, आईडी खोलिए आप। एक मिनट लाइन पे ही रहिए। जी, हाँ आईडी खोलिए, पॉपअप विंडो आता है उसे पढ़िए आप। इसका अर्थ क्या है ये जानना चाहते हैं। अर्जेंट टेक डाउन ऑल पोस्ट एंड वीडियो विद फीफा प्रॉपर्टी। अरे भुवनेश जी, जी ये सारी चीज मैं पहले से ही लोगों को बोल रहा हूँ मगर लोग समझे तब ना। हाँ, क्या है ये सर, बताइए जरा, एक्सप्लेन करिए थोड़ा। ये पूरी चीजें मैं एक हफ्ता पहले से ही बोल रहा हूँ लोगों को, आज वो फाइनलाइज दे ही दिया सामने। अब जी, एक बात बताओ, आप हाँ आपने फीफा आपने किसी क्या बोलूँ स्पॉन्सरशिप आप बिग लेवल की आप कर रहे हो, हाँ ठीक है, आपने जी उसको अनाउंसमेंट किया और उस अनाउंसमेंट के अगेंस्ट पे अगर आपका जो वहां पे फाइनलाइज होता है, जैसे कि आपको लीगल वे से जो अप्रूवल मिलता है, ठीक हाँ है, हाँ जो टर्म एंड जी कंडीशन होता है जी उसके लिए कम से कम 20 डेज से 30 डेज टाइम लगता है जी वो लीगल लीगल वे से पास आउट करने के लिए। जैसे कि इनका जो लीगल मतलब कंसल्टेंट या लीगल लॉयर जो होता है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड के जो इनको कंडक्ट करता है, ये वहां से पास आउट करवाता है, ठीक है। जी। अब ये जो प्रोसेस है, ये तो हम लोग फाउंडर को ही अनाउंसमेंट किया था। अब जो लीगल वे से है, हम पहले ही कहे थे कि किसी भी जगह पे अगर आप स्पॉन्सर करते हो, जैसे कि आप मान लो कि आपको पेप्सी कंपनी वहां पे ऑर्गेनाइज कर रहा है, मतलब आपका स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, तो पेप्सी कंपनी कई वर्ल्ड कप में पहले से ही वो स्पॉन्सर करता है, जी, ठीक है, उसकी जो लीगल टर्म एंड कंडीशन है उसको कुछ फॉलो करना नहीं होता। अगर कुछ ऐसा रेयर चेंजेस होता है उसके टर्म एंड कंडीशन में, लीगल एग्रीमेंट में, तो वो उसके पास जाता है, वो सिग्नेचर करके पास कर देता है। उसके पास कोई ऐसा अप्रूवल नहीं करना पड़ता है कि रेडी करके वो सारी चीज दोबारा से दे। बस उसके पास जो फॉर्मेलिटीज होता है, जैसे कि उनके पास पहले से ही सारी चीज रेडी होता है, बस उसको खाली सिग्नेचर करना होता है जी और उसका पैसा ट्रांसफर होता है। और ऑन पैसिव पहली बार इतना हाई लेवल करने जा रहा है, उसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, ऑन पैसिव भी देखना चाहेगा कि अगर जहां पे मैं पैसा लगा रहा हूँ, जहां पे मैं उसका स्पॉन्सर कर रहा हूँ, उससे मुझे और मेरे फाउंडर को क्या बेनिफिट होगा। वो भी तो अपना टर्म एंड कंडीशन वहां पे दिया है ना कि बिल्कुल, मैं हाँ इस तरह से टर्म एंड कंडीशन दे रहा हूँ और ये लीगैलिटी मेरे तरफ से है, और जो फीफा वर्ल्ड कप का जो है उसकी भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो आपको जी फॉलो करना है, उसके बाद वो पास आउट होता है। उसके लिए जी 30 से 40 डेज टाइम लगता है, जी जैसे कि अक्टूबर का एंड तक फाइनलाइज होता है। अक्टूबर का एंड में ही यहाँ से जो फंड होता है, जैसे कि टोकन मनी ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुका है, अब जी जो फाइनलाइज अमाउंट होता है जो फीफा को जाता है, वो लीगल एग्रीमेंट साइन होने के बाद वो वहां पे ट्रांसफर होता है। जी तो ये जो टर्म एंड कंडीशन का जो ये टाइम है ना, इस टाइम पे जब तक आपका टर्म एंड कंडीशन पूरा नहीं होता है, तब तक फीफा का या कोई भी कंपनी अगर पहली बार वहां स्पॉन्सर कर रहा है, उसको अथॉरिटी नहीं होता है या फीफा उसको परमिशन नहीं देता है कुछ ऐसे कंडीशन की वजह से कि आप पहले से उन चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते मार्केट में या किसी इंटरनेट मतलब कि प्रोसेस में इस तरह से, ठीक है। जी आप अपने जो आपके टीम है या आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या अपने जो फाउंडर है जो भी, उसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं। उसको जैसे ही ये क्लियर आउट हो जाता है, जैसे ही उनको हैंड ओवर हो जाता है लीगल एग्रीमेंट कि हाँ हाँ आपका जो टर्म एंड कंडीशन है वो पूरा हो चुका है, अब हाँ फाइनलाइज पेमेंट भी हो गया, अब जी आप पूरी तरह से अपने वेबसाइट में और फीफा का एक 300, अभी सुबह ही बात हुई थी, 304 ऐसे स्पोर्ट्स चैनल है पूरी दुनिया की जिसमें वो एंटर कर रहा है जी ऑन पैसिव,
300 कुछ चैनल, अब सोचिए कि 300 चैनल में वो लाइव दिखाया जाएगा फीफा का। ओ, जी। तो अब ये बताइए, ये चीज मैं इंडिविजुअली एक एक लोगों को अगर समझाऊं तभी समझ में आएगा इनको। अब देखिए आप भी कंफ्यूज हो गए और मैं इसको पढ़ के, ये मैं पहले से ही कह रहा हूँ, अभी से नहीं, कई सारे लोगों को मैं कह चुका हूँ। इसका सर अर्थ ये हुआ कि मतलब हम पहले से कोई एडवर्टाइज ना करें। बिल्कुल, जब तक वहाँ पे लीगल एग्रीमेंट जो है फीफा की तरफ से साइन होकर के ऑन पैसिव में ऐश को मिल नहीं जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये हमारी कंपनी की तरफ से हिदायत दी गई है या फीफा की तरफ से हिदायत दी गई है? ये कंपनी की तरफ से भी दी गई है, फीफा की तरफ से भी, दोनों। देखिए टर्म एंड कंडीशन दोनों एक दूसरे का फॉलो करेगा। हाँ हाँ, क्योंकि आप उसका टर्म एंड कंडीशन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं और फीफा भी आपका टर्म एंड कंडीशन को ब्रेक नहीं करेगा। अच्छा, क्योंकि अच्छा। इसमें एक दो पैसे की बात नहीं है, कई हजार करोड़ रुपया वहाँ पे दिया जा रहा है। कई हजार करोड़? ओ, कई हजार करोड़ है, तब तो बहुत ज्यादा निवेश हो रहा है। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट लेवल की बात है, क्योंकि आज का जो वेबिनार है, देखिएगा मैंने भी क्वेश्चन किया माइकल से, और माइकल का वेबिनार पे सुबह मैं भी था वहाँ पे जी, तो ये बहुत सारी चीजों को माइकल ने क्लियर किया। जी 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 जी, तो सर इसमें कोई घबराने वाली बात थोड़ी है कि मतलब कुछ कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये लोग अपने आप में, वो कहते हैं ना, खुद से पैनिक हो जाते हैं। अच्छा, सिस्टम किसी को पता नहीं है कि कैसे फॉलो किया जाता हाई लेवल का। यस यस, ये ऐसे नॉर्मल कोई गेम नहीं चल रहा है कि हाँ चलो ठीक है मैंने पैसा भरा 500 रुपया चलो। ये एक हाई लेवल परमिशन होता है जो पूरे वर्ल्ड देखता है, और इसमें एक दो बिलियन की बात नहीं है, इसमें $1 trillion की बात है जो फीफा वर्ल्ड कप होता है, $1 trillion। इसमें सारे निवेश करते हैं। ओहो, इतनी बड़ी रकम, इतना बड़ा बिजनेस होता है फीफा वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया में। तो अपना तो सर पक्का है ऑन पैसिव का? कंफर्म है, जो इतना ज्यादा सर्कुलेट करता है ना, तो टर्म एंड कंडीशन को ये लोग ब्रेक कर रहे हैं यूट्यूबर और ये लोग, इसीलिए इसको दिया गया। ओ अच्छा, इनको रोका गया कि आप एडवर्टाइज अपने तरफ से ना करें जब तक हमारी पूरी लीगलिटी पूरी नहीं हो जाती उधर से। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज को हाईलाइट करने के लिए थोड़ी बोला गया कि आप हर जगह पे बस नाम डाल करके कर दो। अरे थोड़ा सा वेट करो, परमिशन आ जाता है, परमिशन में भी अभी कम से कम 20 डेज टाइम है। अच्छा अच्छा, ओके सर, तो हमें समझ गए सर। अभी बहुत सारी कॉल्स जब आपसे बात हो रही तो लगातार लोग फोन कर रहे हैं, मैं लोगों को अभी बताता हूँ, क्योंकि अचानक लोग पैनिक हो जाते हैं, देख के समझ पाए नहीं उसका अर्थ जो पॉपअप विंडो आ रही थी। आप बताइए, मैंने देखा भी नहीं था, आपने बताया अभी जस्ट, मैं देखा हूँ। हाँ हाँ, तो वही तो, मैंने, मेरे पास खुद फोन आया अभी कि सर आपने देखा पॉपअप विंडो चेंज हो गई, उसमें तो वर्ल्ड कप के बारे में ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, तो हमने कहा अरे अभी देखते हैं, तो हमने तुरंत आपसे ही सलाह लेना उचित समझा। हमने कहा आप ज्यादा क्लोज हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लीडर्स से आपकी बात होती रहती है, नेशनल लीडर्स से आपकी बात होती रहती है, तो निश्चित रूप से आपके पास इसका कोई ना कोई उपाय होगा। कोई ना कोई, देखिए लाइव सुबह बात हुई है, सुबह मार्टी ने कहा है, मार्टी की बात है जी। और माइकल ने भी क्लियर किया है कि 300 कुछ चैनल जो है, स्पोर्ट्स 10 चैनल है जहाँ पे दिखाया जाता है, वहाँ पे 300 चैनल को अप्रूव किया गया है। ओहो, तब तो बहुत जबरदस्त तरीके से हाईलाइट होगा फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, ये 10-20 यूट्यूबर के वजह से इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है इसको थोड़ी मतलब खराब किया जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये तो सही बात है। नहीं तो बस यही हम सर जानना चाहते थे कि हमारे वर्ल्ड कप जो हमारी स्पॉन्सरशिप है वो बिल्कुल क्लियर है और केवल। नहीं नहीं, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस थोड़ा सा लोग वेट करें। अच्छा, अगर पॉसिबल होगा तो मैं देखूं, अगर इवनिंग के मीटिंग में मैं बोलूंगा टीम चैंपियन में। जी 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 जी, नहीं बिल्कुल, मैं टीम चैंपियन में भी आऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोग क्या है कि फीफा वर्ल्ड उस पे जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, जाके कहते हैं यहाँ तो फीफा वर्ल्ड कप में स्पॉन्सरशिप में नाम ही नहीं है आपकी ऑन पैसिव का, तो शायद यही लोगों को समझ में आया कि यार पहली बार जब कोई कंपनी जाता है उसका पूरा जो लीगैलिटी फॉर्मेलिटीज होता है उसको एक पूरा करने में, एक एक पॉइंट को क्लियर करने में महीना लग जाता है, महीना लग जाता है। जब तक वहां से लीगैलिटी पूरी नहीं होगी, पास आउट नहीं होगी, तब तक हम गूगल पर कैसे देख पाएंगे कि हाँ हमारी, बताइए। जी जी, और लेकिन लोगों को समझ नहीं आती है, 100 से ऊपर जो है लीगल लॉयर इंटरनेशनल लगे हुए है उसमें, 100 से ऊपर। ओ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, थैंक यू।